तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। अभी आपके सामने ऑल्टो K10 की ऑल न्यू जनरेशन है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आपकी नई ऑल्टो के बारे में। अगर आप देखेंगे इसमें आपको नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नया डिज़ाइन ऑफर किया गया है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज ऑफर करने वाला पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, सेफ्टी सेंस में भी मारुति ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। तो डिटेल में जानते हैं कि क्या काम किया गया है मारुति की तरफ से आपकी ऑल न्यू ऑल्टो K10 के अंदर। अब इस गाड़ी के अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे ना, तो आपको इसमें जैसे मारुति की पहले A-Star आती थी, तो उसका कहीं ना कहीं डिज़ाइन एलिमेंट छुपा हुआ मिलेगा। साथ ही अगर आपने डैटसन की रेडो को देखी है, तो उसमें भी जो वर्टिकल DRL एलिमेंट थे ना, वही कुछ यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। साथ ही थोड़ा बहुत आपको हुंडई सेंट्रो के डिज़ाइन एलिमेंट्स के क्लूज भी इसमें मिल रहे हैं, लेकिन जो A-Star है उसका डिज़ाइन इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ नया अपडेट होकर आया है। बाकी गाड़ी का साइज़ एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है, तो इस गाड़ी की जैसे लंबाई भी देखेंगे तो 3.5 मीटर की लेंथ में है। मतलब अगर आप फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं, जहाँ पर आपको इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाना है, या फिर ऐसा आपको सोच रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज मिल जाए, गाड़ी बजट में भी आपके आ जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। साइड प्रोफाइल से देखेंगे गाड़ी को तो काफ़ी अच्छे आपको सस्पेंशन ट्रैवल ऑफर किया गया, जिससे अगर आप इसे ख़राब रास्तों में चलाएंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही बॉडी में अगर आप लाइंस देखेंगे तो काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीजेस ऑफर किए गए, जिससे ये गाड़ी लगती है कि थोड़ी मॉडर्न है। और पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो मारुति की नई सिलेरियो है उसके कुछ ना कुछ डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। इसके जो इसके टेल लैंप है ना, काफ़ी अच्छे लगेंगे। साथ ही अगर आप इसके की फॉब को देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको इसमें की फॉब मिलती है। ये इसका टॉप मॉडल है, तो आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा सिर्फ एक ही की के अंदर, और जो दूसरी की है वो नॉर्मल है, उसको आपको वहीं से नॉर्मली फंक्शन लेने होंगे। बाकी इसमें लॉक अनलॉक के फंक्शन दिए गए। अभी भी देखिए मारुति ने जो अपनी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है की फॉब में, वही मेंटेन किया है, पीछे सुजुकी का लोगो है। और अगर इसमें थोड़ा अपडेट होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये भी काफ़ी क्लासिक लगता है। साथ ही गाड़ी के लुक को हमने पीछे से बात करी, ये कहीं ना कहीं आपको सिलेरियो का डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर सिलेरियो की प्राइसिंग आप देखें तो इससे करीब 1 लाख रुपए ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि अभी आपके सामने है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी उससे कम बजट में ऑफर की जाएगी, फिर भी आपको ज़्यादा बढ़िया एक डिज़ाइन एलिमेंट ऑफर कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। पीछे देखेंगे तो ऑल्टो K10 की ब्रांडिंग आपको मिलती है। अब ये जो बैजिंग है ना, ये आपने BS6 गाड़ी देखी ही नहीं, मतलब मारुति ने जो ऑल्टो K10 थी वो BS6 में लॉन्च नहीं करी, सीधे आपको एक मिलती थी जो ऑल्टो की 800 है, जो कि वहाँ आप देखेंगे। लेकिन अब जाके ऑल्टो K10 आई है, बिल्कुल ख़तरनाक इंजन ऑप्शन के साथ आई है, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं। कैमरा मैं इसमें कहीं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें इंफोटेनमेंट का सिस्टम ऑफर किया गया है। तो दोस्तों साथ ही बात करते हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बूट स्पेस की। तो यहाँ पर आपको एक लॉक देखने को मिल रहा है। अब इसके बूट को ओपन करने के लिए आपके पास 2 फंक्शंस मिलेंगे। एक तो आप अंदर कैबिन से ओपन कर सकते हैं, जो कि लीवर के थ्रू आप करेंगे, और यहाँ पर आपको नॉर्मली जैसे की वाला फंक्शन रहता है, इससे भी आप इसको अनलॉक कर पाएंगे, जो कि यहाँ को आपको प्रेस करके इसको ओपन करना है। इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक्चुएटर नहीं मिलने वाला है, मतलब जैसे आपको नॉर्मली प्रीमियम गाड़ी में मिलता है, वो इसमें स्विच नहीं है। नॉर्मली आप करेंगे, यहाँ पर कुछ क्लैडिंग दी गई है। अब ये जो आपके सामने बूट स्पेस है, ये है 177 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आपको अच्छा खासा कार्गो वॉल्यूम मिल रहा है। कंपटीशन में देखेंगे तो थोड़ा आपको कम लग सकता है, लेकिन इसकी अगर डेप्थ देखेंगे, इसकी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे, तो फैमिली के हिसाब से काफ़ी सही बनाया गया है मारुति की तरफ से। वहीं देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर डैम्पनिंग प्रोवाइड की गई है, अच्छी खासी प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑफर की गई है। और यहाँ से अगर आप इंटीरियर को देखेंगे ना, काफ़ी रिच इंटीरियर बनाए गए हैं। जो डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी ऊंचा लगेगा, मतलब आपको पसंद आने वाला है, अभी बात करेंगे। अब देखिए ना, इसमें मैं आपको अभी कोई भी CNG का ऑप्शन नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि CNG अभी उतनी ज़्यादा वायबल नहीं रह गई है। अगर आप CNG की प्राइसिंग को देखेंगे तो करीब 104 रुपये पर KG के हिसाब से जा चुकी है, जो कि कहीं से भी ऑप्शन आपके लिए प्रॉफिटेबल तो साबित नहीं हो रहा है। उसके ऊपर से गाड़ी करीब 1 लाख रुपये ज़्यादा महंगी होती है पेट्रोल के मुकाबले। और अगर आप पेट्रोल को अभी देखेंगे तो करीब 94 रुपीज़ पर लीटर की प्राइसिंग के साथ आ रहा है। अब इस गाड़ी का जो माइलेज आपको ऑफर किया जाएगा, सेम इंजन आपको सिलेरियो वाला मिल रहा है, जो कि आपको 24.97 KMPL माइलेज क्लेम करता है। इसमें अगर वो माइलेज आता है तो करीब 22 से लेकर 23 KMPL का माइलेज रियल लाइफ में आपको काफ़ी ईजिली गाड़ी दे सकती है। साथ ही ये कुछ इक्विपमेंट आपको पीछे मिलेंगे। पीछे आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्टड्स मिलने वाले हैं जो कि न्यूमेटिक है। साथ ही अगर आप इसको बंद करते हैं तो कितना कुछ एफर्ट आपको लगेगा। पीछे का जो पूरा प्रोफाइल है ना, ये आपको सिलेरियो की याद दिलाने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही अगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ यहाँ पर स्पेयर व्हील ऑफर किया गया है। अब देखते हैं स्पेयर व्हील का साइज़ क्या है।
145/80 सेक्शन रेडियल 13 का स्पेयर व्हील दिया गया, स्टील रिम के साथ दिया गया है। 13 इंच का आपको मिलने वाला अच्छी खासी यहाँ पर आपको सीलेंट का यूज़ देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसे कुछ कॉस्ट कटिंग आपको नहीं दिखेगी। जो सस्पेंशन के सारे माउंट्स हैं वो बिल्कुल छुपे हुए हैं, कोई भी एक्सपोज पार्ट नहीं है, जैसे आपको कई बार टाटा की गाड़ी में देखने को मिलता है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब मारुति काम सोच समझ के करती है। अब देखिए ना, जो थोड़ा डिटेल है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीछे, तो गाड़ी का जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस है ये 160 मिलीमीटर का है, यानी कि शहरों के हिसाब से बिल्कुल इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप टायर साइज़ की बात करेंगे तो टायर आपको इसमें मैंने जैसे दिखाया कि स्पेयर व्हील 13 इंचेस का है, तो सेम आपको मेन टायर भी मिलेगा 145/80 सेक्शन रेडियल 13 का आपको टायर मिल रहा है और ब्लैकड आउट मिलेगा पूरा। और अगर आप चाहे तो इसमें व्हील कैप लगवा सकते हैं। साथ ही अगर आप साइड में रनिंग बोर्ड देखते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, कोई भी क्लैडिंग वाला पार्ट इसमें नहीं है, सब कुछ मेटेलिक आपको दिया गया है। और अगर आप डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो आपको जैसे सिलेरियो में मिलते हैं वैसे ही कुछ डोर हैंडल है, ये कुछ लॉक वाले फंक्शन आपको ऑफर किए गए हैं। साइड में सारी बॉडी में कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी दिए गए हैं। ऊपर देखेंगे आपको एक रेडियो एंटीना आगे प्लेस किया गया है। एक चीज़ मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ, जो इसके रूफ है इसमें काफ़ी स्टर्डीनेस आपको फील होगी। अगर आप ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे नहीं दब रही है, तो मारुति ने चेंज किया है इसमें मटेरियल, अच्छा लगेगा आपको। आप अगर ऐसे भी देखें ना, काफ़ी लोग नोटिस करते हैं, काफ़ी लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती है कि रात को इसमें कई बार जानवर चढ़ जाते हैं तो गाड़ी का जो रूफ़ है वो डैमेज होती है, तो यहाँ पर ऐसे चांसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। बाकी पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो रियर स्पॉयलर है वो प्लेस किया गया है। पीछे कोई भी डिफॉगर, वॉशर, वाइपर ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो आप देख सकते हैं। तो ये तो हमने गाड़ी को देखा बाहर से थोड़ा ओवरव्यू। और अगर आप देखेंगे ना, जो साइड टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको वावियम में नहीं दिया गया है, यहाँ पर फ्रंट फेंडर में ऑफर किया गया है। फ्रंट में आपको उसमें डिस्क ब्रेक मिलेगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। सेफ्टी सेंस में देखेंगे तो दो एयरबैग ABS EBD ये इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर रहने वाले हैं। बाकी गाड़ी स्टार्टिंग में हमने फ्रंट में भी देखी कि क्या कुछ दिया गया है, तो फ्रंट में आप ग्रिल देखेंगे तो कुछ ट्रैपोजॉइडल डिज़ाइन में ग्रिल दी गई है, बीच में सुजुकी का लोगो है, काफ़ी अच्छे हेक्सागोनल एलिमेंट दिए गए जो फ्रंट ग्रिल में ऑफर किए गए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो थोड़ा सा लिप दिया गया ना, थोड़ा सा स्पोर्टी बनाता है इसे, लेकिन अगर आप इसको ख़राब रास्तों में चलाएंगे तो थोड़ा आपको संभल के चलना होगा, क्योंकि इससे गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अपनी लंबाई के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है। और हेडलैम्प देखेंगे तो आपको सिंगल जो पूरा पॉड हेडलैम्प है वो दिया गया है, थोड़ा अटेंशन टू डिटेल, थोड़ा प्रीमियम बनाने के लिए ऐसे कुछ एलिमेंट दिए गए। सिंगल आपको इसमें नोजल दी गई है, दो दो आपको इसमें वाइपर मिलेंगे। बाकी गाड़ी बाहर से काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी मॉडर्न लग रही है। साथ ही एक और चीज़ आप देखेंगे ना, जो इसमें आपको प्लेटफॉर्म मिलता है ये पुरानी वाली ऑल्टो K10 से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। इसमें आपको हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई गाड़ी मिलेगी, जिससे इस गाड़ी के वेट को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करा है मारुति ने। और साथ ही मारुति का क्लेम करना है कि इसमें सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी, थोड़ी बेटर क्वालिटी और मटेरियल मिलेगी, लेकिन जब ग्लोबल NCAP इसका सेफ्टी रेटिंग कंडक्ट करेगा तब जो एक्चुअल रेटिंग है हमारे सामने आएगी। लेकिन अगर आप फिट ऑफ फिनिश वाइल देखें, गाड़ी लग रही है थोड़ी बहुत सॉलिड तो हुई है पहले के मुकाबले। देखेंगे ना, इतने आसानी से रूफ नहीं दब रही है इसकी, तो यहाँ पर अच्छा काम किया मारुति ने। और उसी के साथ अगर आप लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो जो ऑल्टो 800 आती है उससे ये गाड़ी करीब 85 मिलीमीटर आपको ज़्यादा लंबी मिलेगी। साथ ही इसका जो व्हील बेस है करीब 20 मिलीमीटर ज़्यादा आपको मिलने वाला है ऑल्टो 800 के मुकाबले, यानी कि ये गाड़ी उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है। अब आइए चलते हैं इसके इंटीरियर की ओर। और साथ में देखिए ना, जो ए पिलर है वो बिल्कुल बॉडी कलर है, बी पिलर भी बिल्कुल बॉडी कलर्ड है, सी पिलर बिल्कुल बॉडी कलर्ड है, यानी कि थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा ब्लैक आउट होता थोड़ी और प्रीमियम लगती, लेकिन ये आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंटीरियर है ना, बिल्कुल ब्लैक आउट थीम के साथ दिए गए और काफ़ी प्यारे लगेंगे आपको। साथ ही अगर आप देखिए ना, जो आपकी नई ऑल्टो K10 है इसमें टोटल आपको 4 वेरिएंट ऑफर किए गए। जो बेस मॉडल है उसका नाम है स्टैंडर्ड, उससे ऊपर है LXi, VXi, फिर जो टॉप मॉडल अभी आपके सामने है ये है VXi प्लस। अब इसमें खास चीज़ें आ जाती है कुछ, जैसे कि स्क्रीन आप देख रहे हैं, थोड़े बहुत इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, जो सारे आपको स्टेयरिंग में मिलते हैं। साथ ही गाड़ी का जो पूरा स्पेशियस करेक्टर है स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा है, वही चीज़ यहाँ पर भी आप देखेंगे। जो हमने सिलेरियो में देखा था ना, गाड़ी काफ़ी खुली खुली मिल रही थी, वो चीज़ यहाँ पर भी है। तो एक तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग सिलेरियो नहीं ले पा रहे थे, जिनका बजट 1 लाख रुपए से कम हो जा रहा था, उनके लिए जो ऑल्टो K10 है वो बहुत वैल्यू फॉर मनी साबित होगी। अगर आप सारे डोर पैड को देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ब्लैक आउट मटेरियल है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे ग्रैबिंग क्ले है, कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, कोई फैब्रिक नहीं है। स्पीकर की ग्रिल यहाँ प्लेस की गई है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। साथ ही जो सीट्स है ना, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बेज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है,
जो कि थोड़ा सा रेयर रहता है मारुति की कार्स में। ज़्यादातर आपको डार्कर शेड मिलता है, लेकिन ये फैब्रिक सीट्स है, जैसे कि आपको सेंट्रो में भी मिलती थी। कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपको फिक्स मिलने वाले हैं, आगे पीछे सब कुछ। लेकिन काफ़ी बड़ी सीटें लग रही है, काफ़ी चौड़ी लग रही है और काफ़ी अच्छा इसमें मुझे इस सेगमेंट के हिसाब से अंडर सपोर्ट भी लग रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे, फुटबैल में आपको कोई भी डेक पेडल नहीं दिया गया, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादातर शहरों के हिसाब से बनी है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है डेक पेडल की, लेकिन होना चाहिए था। क्लच मैंने देखा था, काफ़ी लाइट है इसकी फील। और ब्रेक और एक्सलेटर यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर आपको जो मैंने बूट का बताया था ओपन करने के लिए ऑफ किया गया है। अगर स्टेयरिंग देखेंगे तो बिल्कुल सर्कुलर बनाया गया है, यहीं से आप की फॉब को लगाते हैं। तो आइए देखते हैं बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है। हो गई तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाड़ी न्यूट्रल में होगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ रहा। अगर आप ड्राइवर साइड आप देखेंगे ना, जो स्क्रीन है उसको बैठ के देखते हैं क्या कुछ है पहले। तो यहाँ से आप देखेंगे ना, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो आपको पूरा लेआउट है, थोड़ा बहुत आपको जैसे एस्प्रेसो में मिलता था उसी को थोड़ा सा वो सेंटर में आता था, लोगों को कम पसंद आता था, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अगर आप स्पीडोमीटर के पूरे डायल और ये देखेंगे, साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है। कोई भी आपको इंजन का टैकोमीटर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इंजन रेव करेंगे कोई भी टैकोमीटर नहीं है। फ्यूल गेज आप देखेंगे, ओडोमीटर का यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इसको देखिए, यहाँ से हम थोड़ा चेंज करते हैं, ट्रिप देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, माइलेज फिगर भी आपको शो करेगा किलोमीटर पर लीटर। तो अगर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं तो आप ट्रिप को पहले रीसेट कर दीजिए, फिर उसके बाद जो इंस्टेंटेनियस माइलेज है वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या माइलेज आपको मिलेगा। अभी तो ये खड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको करीब डेली के हिसाब से देखेंगे तो करीब 4.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये शो कर रही है। रेंज और ये चीज़ें, बेसिक फंक्शन सब कुछ है यहाँ पर, आपको सारे जो मेन वार्निंग्स है वो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप स्टेयरिंग के साइज़ को देखेंगे ना कुछ आपको यहाँ पर वैगनार वाला स्टेयरिंग याद आएगा, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका गाड़ी के हिसाब से। सारे के सारे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ दिए गए, मोड्स के सारे फंक्शन है। हॉर्न को एक बार सुन लेते हैं, हॉर्न बहुत सिंगल टोन वाला दिया गया, आप इसको अपग्रेड ज़रूर करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ सिल्वर एक्सेंट इन्हें बनाए हुए हैं। स्टेयरिंग में आपको नहीं देख पा रहा हूँ कोई भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक का फंक्शन, बिल्कुल फिक्स्ड है। यहाँ पर आपको सारे के सारे देखेंगे ना, सिंगल आपको वॉशर मिलता है तो थ्रो काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको मैंने पार्सल ट्रे ऊपर करी हुई है तो इससे थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो रहा है, लेकिन थोड़ा साइज छोटा है लेकिन क्वालिटी अच्छी लगेगी आपको। लाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में देखेंगे कोई भी मिरर नहीं है साइड, और यहाँ पर भी कोई मिरर नहीं है। लेकिन अगर आप विजिबिलिटी वाइज देखेंगे तो आपको काफ़ी ऊँचा ऊँचा बैठा हुआ फील होगा। डैशबोर्ड भी काफ़ी ऊँचा बनाया गया है। अब देखिए ना, ये इसका 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, तो अभी गाड़ी स्टार्ट है, एसी ऑफ है, लेकिन कैबिन में आपको जो एक हमिंग नॉइज़ है वो फील होगी, क्योंकि जो 3 सिलेंडर इंजन है वो इतना करता ही है, तो कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, दो दो आपको एयरबैग मिलेंगे। इसकी क्वालिटी कैसी है, जैसे आपने वैगनार में देखी थी ना वैसे ही कुछ है, और डिज़ाइन भी वैगनार वाला ही आपको लगने वाला है। यहाँ पर आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि आपको मारुति की बाकी गाड़ियों में मिलता है। क्या क्या इसके फंक्शनैलिटी है, बेसिक रहने वाला है, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करेंगे और माइलेज शो कर रहा है, टाइम और फ़ोन कनेक्ट मीडिया, मतलब बेसिक आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी आप यहाँ से दे सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको विंडो के कमांड्स दिए गए सारे के सारे, विंडो पूरी नीचे जाती है, ड्राइवर साइड भी आपको पूरी विंडो नीचे करने के फंक्शन है। हजार्ड लैम्प यहाँ दिया गया है, मैनुअल एसी आपको मिलेगा। यहाँ से आप फैन स्पीड फुल करेंगे तो कितनी फ़ैन स्पीड होती है देख सकते हैं, फ़ैन स्पीड फुल करने के बाद कैसी चिलिंग करता है। मैंने अभी लो टेम्परेचर में किया हुआ है, मतलब सारा मैनुअल है लेकिन चिलिंग करनी इसने अब स्टार्ट कर दी है। ठीक है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंजन में काफ़ी ज़्यादा। एक बार एसी ऑन करके इंजन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको यूएसबी ऑक्स ये फंक्शनैलिटी दी गई है, 12 वोल्ट का फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, 120 वोल्ट कुछ कप होल्डर यहाँ इन्हें ऑफर करें। ये इनका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें AMT का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा जो कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन ज़्यादा वेल फॉर मनी आपको मैनुअल ही लगने वाला है। कोई भी आर्मरेस्ट इसमें नहीं है, एक हैंडब्रेक मिलेगा जो कि ऐसा रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में जो आपको नया इंजन दिया गया है इसमें क्या खास है। तो ये मारुति के K सीरीज़ का ऑल न्यू इंजन है जो कि 1000 cc के सेगमेंट में आने वाला है, 999 cc का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब इस इंजन में खास बात ये है ना कि ये सेम इंजन आपको मिलने वाला है जो कि आपको सिलेरियो के अंदर ऑफर किया जाता है। इसके अगर आप पावर फिगर की बात करेंगे तो 67 हॉर्स पावर और 89 का टॉर्क इनफ है इस गाड़ी के हिसाब से। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दे रहे हैं और आपको एक 5 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल का भी ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें खास क्या है, इसमें देखिए आपको EGR का फंक्शन दिया गया है, साथ ही आपको इसमें डुअल VVT का फंक्शन मिलता है। अब इसमें खास बात ये चीज़ें हो जाती है कि इसमें आपको जैसे 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको इसमें डुअल जेट टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिलेगा, जिससे कि इंडिविजुअली हर एक सिलेंडर में आपको दो दो इंजेक्टर मिलने वाले हैं। यानी कि 3 सिलेंडर का इंजन है तो टोटल आपको उसमें
6 इंजेक्टर मिलेंगे, जिससे ज़्यादा बढ़िया, मैं कहूँगा जब ये गाड़ी शहरों में चल रही होगी तो ज़्यादा बढ़िया फ्यूल का इंजेक्शन होगा मैनिफोल्ड्स में, उससे ज़्यादा बढ़िया कंबशन होगा, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और जो लो एंड टॉर्क है गाड़ी का वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये गाड़ी बहुत कम चांसेस है जब आप इसे शहरों में चला रहे हैं और गाड़ी बंद हो जाए, मतलब अच्छा खासा लो एंड टॉर्क है इसका, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर आपको ABS की यूनिट प्लेस की गई है। नीचे अगर आप देखेंगे ना, नीचे कोई भी कवरिंग आप नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल ओपन है, तो ये थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है। साथ ही अभी मैंने इसका AC ऑन किया हुआ है तो इंजन में इतनी बहुत आपको हमिंग और जो वाइब्रेशन है वो फील होगी, लेकिन अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा शानदार इंजन है। इवन अगर आप देखेंगे ना, ये बाकी कंपनीज़ के 1.2 इंजन के साथ भी कम्पीट कर लेता है, अगर आप लो एंड की बात करेंगे या फिर शहरों की बात करेंगे, और माइलेज में तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। करीब 20 से लेके 22 की माइलेज ये इंजन आपको काफ़ी ईजिली देने वाला है। तो ये तो हमने देखा इसके फ्रंट में क्या फंक्शनैलिटी है, और अंदर जो 7 इंच की स्क्रीन है वो भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। बाकी ये जो मिरर है ना, आप इसको मैनुअली फोल्ड करेंगे, कोई भी ऐसा फैंसी फंक्शन इसमें नहीं दिया गया है। और अंदर देखते हैं कैबिन कितना कूल इसने करा AC ने। अभी एक विंडो हमारी ओपन थी लेकिन कैबिन बिल्कुल चिल कर दिया इसने, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। स्टेयरिंग की अगर आप एफर्ट की बात करेंगे तो जैसे मारुति की बाकी गाड़ियों में जो स्टेयरिंग थोड़ा सा हैवी रहता है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ऑटो सेंट्रिक कैसी है और कैसा कुछ काम करने वाला है वो मैं आपको इसके ड्राइव रिव्यू में बताऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हैवी आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव है। आप इसको नॉर्मली चलाएंगे तो सही है। AC को ऑफ करेंगे तो अभी देखिए इंजन बिल्कुल लो डाउन हो गया, बिल्कुल शांत हो गया है। तो ये सब चीज़ें ना बढ़िया बनाती है आपके एक्सपीरियंस को। अब मैं आपको अपना थोड़ा हेडरूम यहाँ से दिखाया था, तो ये आप मेरा देख सकते हैं हेडरूम, ये शोल्डर रूम है। हेडरूम के मामले में इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, शोल्डर रूम में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप देखिए ना, अंडर सपोर्ट यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप सारे लैम्प्स के फंक्शन देखेंगे तो लैम्प्स में कुछ यहाँ पर मैं आपको ऐसे करके आपको लेवलिंग का फंक्शन दिया गया है, जो कि आप यहाँ से इसमें लेवल कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे डमी बटन्स दिए गए, तो आप ज़्यादा जो कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कुछ वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में मैंने कोई भी फॉग लैम्प नहीं देखा था, तो फॉग लैम्प इसमें नहीं ऑफर किया गया। साथ ही अगर आप देखेंगे सीट्स की बात, तो सीट्स में आपको रिक्लाइनिंग का फंक्शन मिलने वाला है लोग, लेकिन कोई भी हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन इसमें नहीं दिया गया है। कुछ यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट ये दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ इसके दिखाता हूँ, जो आपको पीछे की सीट्स है जो आप फैमिली के लिए यूज़ करेंगे या फिर इस गाड़ी को अगर आप कमर्शियली यूज़ करेंगे तो कितनी प्रैक्टिकल रहने वाली है। तो यहाँ पर आप पहले देखिए ना, टॉप मॉडल है VXi+, फिर भी आपको पीछे इसमें पावर विंडो का फंक्शन नहीं दिया गया है। और एक चीज़ आप देखिए ना, जो प्राइस की एक्सपेक्टेशन वो अभी आई है मेरे सामने, करीब 4.5 लाख से लेके 7 लाख के बजट में अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं, एक्सशोरूम की बात की जा रही है, तो ये आपके लिए कैसे वैल्यू फॉर मनी रहेगी वो देखते हैं। तो इसमें आपको कोई भी पीछे पावर विंडो का फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसे सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं दिया गया है। स्पीकर की ग्रिल आप ज़रूर देखेंगे, क्लैडिंग का पार्ट आप ज़रूर देखेंगे, बाकी सीट्स में देखेंगे ना, सच में मारुति ने अच्छा काम किया है। अच्छा खासा अंडर सपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ आपको डुअल टोन बेज का फंक्शन दिया गया है। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन हेड रेस्ट दिए गए छोटे छोटे से। सीट बेल्ट बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको लैप टाइप मिलने वाली है, बाकी सीट्स इतनी हैं। बीच में अगर आप टनलिंग की बात करेंगे तो इतनी कुछ आपको इसमें टनल मिलती है, जो कि बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। पीछे कोई भी AC वेंट इन्होंने ऑफर नहीं किया है। और साथ में देखेंगे फ्रंट के डैशबोर्ड की, तो ऐसा फ्रंट का डैशबोर्ड लगता है। ऊपर देखिए, थोड़ा सा रूफ को स्टैंड देने के लिए एडिशनल क्रॉस मेंबर दिए गए। पीछे भी एक एडिशनल क्रॉस मेंबर है, यहाँ पर कुछ ग्रैबिंग के हैंडल दिए गए। बाकी अगर आप मेरा यहाँ हेडरूम देखेंगे, बैठ जाते हैं तो पीछे इतना कुछ हेडरूम है, शोल्डर रूम है, बाकी पीछे दो लोग काफ़ी कंफर्टेबल इसमें ट्रैवल करेंगे। और बीच में अगर कोई बच्चा ट्रैवल करना चाहे तो वो भी आराम से कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें सस्पेंशन ट्रैवल दिए गए हैं, तो अगर इसमें 5 एडल्ट भी जाते हैं ना, ये गाड़ी ज़्यादा नहीं बैठने वाली है। बनाई उसी हिसाब से गई है, कम्फर्ट और जो प्रैक्टिकलिटी है दोनों का बैलेंस बनाया गया है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग कैसी है वो इसके ड्राइव में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो कुछ रहा आपकी जो ऑल न्यू ऑल्टो K10 है। बाकी जो इसका VXi वेरियंट है, LXi वेरियंट है, और जो स्टैंडर्ड वेरियंट है, उसकी भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस गाड़ी की प्राइसिंग मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, बाकी आपको कमेंट में मिल जाएगी कि इसकी प्राइसिंग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को समराइज़ करते हुए, आज के रिव्यू को समराइज़ करते हुए, हम देखते हैं कि जो नई ऑल्टो K10 है इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। एक तो आपको नया सबसे ज़्यादा सेगमेंट का सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि करीब 25 KMPL के माइलेज क्लेम की जा रही है जिसके लिए। और अगर आप रियल लाइफ माइलेज की बात करें तो करीब 20 से लेके 22 KMPL का माइलेज आपको दे पाएगा। उसी के साथ प्लेटफॉर्म आपको नया अपडेटेड है, जिसमें आपको सेफ्टी पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इवन अगर आप ऑल्टो 800 की बात करें,
तो उससे भी ज़्यादा अच्छी सेफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्टो 800 की भी बात करेंगे ना, उसकी प्राइसिंग भी करीब 3.5 लाख रुपये से थोड़ी सी कम से स्टार्ट हो जाती है, और ये गाड़ी उससे करीब 1 लाख रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव बजट में जा रही है। और उसी चीज़ को देखेंगे ना, इस गाड़ी में आपको वही इंजन दिया गया जो सिलेरियो में मिलता है, और ये गाड़ी सिलेरियो से करीब 1 लाख रुपये नीचे प्लेस की गई है, यानी कि बीचों बीच में प्लेस की गई है, जिसको थोड़ी बहुत पावर भी चाहिए क्योंकि ऑल्टो 800 से ज़्यादा पावर बना रही है। उसी के साथ थोड़ा स्पेशियस गाड़ी है, जो वैगनार नहीं लेना चाहता है, सिलेरियो नहीं लेना चाहता है, थोड़ा बजट के साथ है, तो उसके लिए गाड़ी काफ़ी सही है। उसी के साथ जो लुक्स है, लुक्स मैंने कहा कि जैसे मारुति की ए स्टार आती थी, रेड्स आती थी, वैसा ही कुछ फ्रंट से ट्रेपेजॉइडल ग्रिल के साथ, थोड़ा सा लंबा नोज देते हुए, थोड़ा मॉडर्न करेक्टर के साथ गाड़ी को लाया गया है। काफ़ी लोग इसमें रेडिगो के डिज़ाइन एलिमेंट देखेंगे, कुछ लोग सेंट्रो के डिज़ाइन एलिमेंट देखेंगे, लेकिन जो मारुति की ए स्टार है वो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है इसके साथ। बाकी आप अपनी राय दीजिए कि आपको ऑल न्यू ऑल्टो K10 कैसी लगी, ये मेरा इस गाड़ी के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हैं, जो आगे आगे मेरी डिटेल वीडियो आएंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। और आप मुझे ये भी बताइए कि जो इसका कंपटीशन अभी है वो क्या इसके साथ आप कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि जो माइलेज आपको दे रहे हैं उसके साथ लुक्स भी थोड़ा नया है, और जो मारुति की ब्रांड वैल्यू है, क्या ये अभी एक सुपर किंग बन सकती है अपने सेगमेंट की, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।